पिछौर ब्लॉक की ग्राम पंचायत मनपुरा में कलेक्टर अक्षय सिंह के द्वारा आज गांधी जयंती के अवसर पर गांधी जी को माल्य अर्पण कर वृक्षारोपण कर ग्राम पंचायत भवन में पुलिस सहायता केंद्र का फीता काटकर लोकार्पण किया। कलेक्टर अक्षय सिंह ने कहा कि पुलिस सहायता केंद्र को आदर्श सहायता केंद्र बनाए ऐसी अपेक्षा है। महात्मा गांधी और लाल बहादुर शास्त्री जी दोनों के जीवन पर प्रकाश डाला। इस मौके पर लोगों से एकजुट मिलकर रहने का संदेश दिया। मौके पर जिला अधीक्षक राजेश सिंह चंदेल ने कहा कि हमें आपस में सभी लोगों से मिलकर चलना चाहिए, हमारे गांव के वरिष्ठ जनों से सलाह मशवरा लेना चाहिए। खेलकूद के लिए बच्चों को प्रेरित किया गया। एसडीओपी दीपक तोमर, महिला थाना प्रभारी शिवपुरी पूनम सविता, इस मौके पर रिटायर्ड शिक्षक रूप नारायण जी महते, अनवर खान ने पुलिस अधीक्षक को आगमन गीत सुनाकर पुलिस अधीक्षक का सम्मान किया। इसके बाद भौती टीआई संजय मिश्रा ने सभी का आभार व्यक्त किया। बिल्कुल भी दिखने बात है कि बच्चियां पढ़ने के लिए जाती हैं, आती हैं, वैसे भी बड़ा आदमी नहीं करता है, बहुत सारे लड़के कर रहे हैं, लेकिन चार पांच बदमाश को परेशान करते हैं, बैठे रहते हैं या चिढ़ते हैं, तो बच्चों को पढ़ाने में माँ बाप को भी संकोच लगता है और पढ़ाया नहीं आपने तो आपके जीवन का परिवर्तन सबसे बड़ा एकदम होता है जब आपका बच्चा आईआईटी पढ़ता है, जब आपका बच्चा आईएएस बनता है, जब आपका बच्चा दुपीसी में बनता है। और वो मैं चाहता हूँ कि मनपुरा से हम ऐसा आदर्श प्रस्तुत करें, इसके लिए जो भी आप लोग मिलकर करेंगे उसे पुलिस का सहयोग रहेगा, पुलिस आपके साथ में है, जो भी अपराध होंगे सारी चीजों को हम डिटेक्ट भी करेंगे और पूरी ताकत से आपके साथ रहेंगे। इस सुंदर कार्यक्रम के लिए मैं आप सबका, विशेष तौर पर सरपंच साहब का और वसंत का बहुत धन्यवाद देता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे उम्मीद है कि हम यहाँ पॉजिटिव काम करने के लिए लगातार मिलते रहेंगे, बात करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद। 9-8 सिर्फ ये चार अक्षर याद रखें जिनकी उम्र 18 साल से कम है, चाहे लड़का या लड़की, उसको कैसी भी जरूरत हो, कैसी भी उसको जरूरत हो, सुरक्षा के अभाव में हो या उसको कोई सहायता चाहिए, कोई जरूरत की उसको लग रहा है, तो वो ये चार अक्षर का नंबर डायल करे। वो नंबर है 10-9-8। इस नंबर पर आप जैसे ही डायल करेंगे आपकी सूचना तत्काल मुंबई जाएगी और मुंबई से वो आपसे बात करेंगे, हमारी टीम बात करेगी, आपकी जानकारी लेकर संबंधित जिले को भेज देगी, जिले से फिर हमारी टीम आपके पास आकर उसका निराकरण करेगी। इसमें सबसे अच्छी बात है कि जो कॉल करता है, जो फोन करता है, उसकी पहचान को गुप्त रखा जाता है। कई बार हमको डर यह होता है कि अगर हम शिकायत करेंगे हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है, उसकी शिकायत करेंगे तो हमारा नाम आ जाए, तो इस बात से निश्चिंत रहें कि कभी भी चाइल्ड लाइन पर जब भी आप फोन करेंगे 10-9-8 पर आपकी पहचान को गुप्त रखा जाएगा। एक घंटे के अंदर जिला क्षेत्र को छोड़कर एक घंटे के अंदर हमारी टीम आपके बीच उपस्थित होगी जब भी आप इस कॉल को लगाएंगे। सिंपल सा चार अक्षर का नंबर है 10-9-8। समझे इतना इस नंबर क्या है, एक बार सारे लोग बोलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आपको जो मौका मिल रहा है, आपके पेरेंट्स आपको पढ़ा रहे हैं,
उसी का फायदा उठाइए। गवर्नमेंट आपको समझने में आपको जो सहायता देती है उसका फायदा उठाइए, क्योंकि ये समय बार बार नहीं आएगा। और ये आप ध्यान रखना कि आज के समय में हर लड़की को पैरों पे खड़ा होना बहुत बहुत जरूरी है। जैसे सांस लेना जरूरी है जीवन के लिए, ऐसे पैरों पे खड़ा होना आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी। अपने आप को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, किसी के ऊपर डिपेंड मत होना, क्योंकि स्थिति कभी भी खराब हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। समय बहुत चेंज हो गया है, पहले तो सब चर्चा चल रहा था यहाँ समय आज नहीं चलेगा। आप खुद देख रहे हो आज के समय में हम अपने 6 साल की बच्ची को भी करने वाला कोई भाषण तो आता नहीं है कि वो शुद्धी से सफर तय करेंगे, यहाँ पे आगे फिर अपराध करेगा। अपराध करने वाला कहीं ना कहीं आप लोगों के बीच में हमारा पड़ोसी, हमारा आस पास का व्यक्ति ही होता है। तो इस ग्राम की प्रथम नागरिक हमारी सरपंच अर्चना बसंत श्रीवास्तव जी, पूनम सरदार महिला थाना प्रभारी बसंत श्रीवास्तव जी एवं उपस्थित गणमान्य नागरिक, मैं आभार व्यक्त करता हूँ बसंत श्रीवास्तव जी का, जो एक ऐसे व्यक्ति हैं जो समस्या ना होकर समाधान है। हमारे जीवन के दो पहलू होते हैं कि हम अपने समाज के लिए क्या कर रहे हैं। बसंत श्रीवास्तव जी ने समस्या को देखी, यहाँ पर समस्या है शराबियों का आतंक है। उन्होंने पुलिस से कोई शिकायत नहीं की, वो पुलिस की मजबूरियां समझते हैं कि पुलिस में आज मात्र 9 आरक्षक उपस्थित हैं। थाना भौती में 9 आरक्षकों को यदि हम 8-8 घंटे की ड्यूटी में विभाजित कर दें तो 8 घंटे के लिए मात्र 3 आरक्षक उपलब्ध होते हैं। उन्होंने उस समस्या का समाधान निकाला कि हम यहाँ सहायता केंद्र दें और सहायता केंद्र के साथ रहने की व्यवस्था करते हैं। जब व्यक्ति यहाँ रहेगा 24 घंटे उपलब्ध रहेगा तो समस्या का समाधान अपने आप हो जाएगा। उन्होंने सरपंच बनने के पहले से ही यहाँ पर समस्या देखी कि पानी की समस्या है और उस पानी की समस्या का स्वयं के संसाधन से समाधान कर दिया। तो ऐसे सरपंच जो समस्या ना होकर समाधान है, सक्षम है और हर तरह से उनके निर्देशन में उनके कार्यकाल में मनपुरा उत्तरोत्तर प्रगति करेगा, इसी तरह से सभी समस्याओं से समाधान होगा और प्रगति करेगा। ऐसी में ऐसे सरपंच साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सरपंच साहब को बेटियों दोनों का एक ही दिन बर्थडे, अच्छा मुझे जाके दोनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे भौती के सरपंच भी यहाँ उपस्थित हैं और मैं इन दोनों की जोड़ी को देख रहा हूँ, सरपंच और परिवर्तन दिख रहा है। भौती में भी आप देख रहे हैं कि जो वृक्ष अभी उन्होंने लगाए थे दिख रही है और जो कार्य में परिवर्तन दिखने लगा है। तो निश्चित रूप से मनपुरा, जो सर मैं आपको बताना चाहूंगा कि मनपुरा में उस समय यहाँ पर विद्यालय था जब करेरा और किशोर भी नहीं थे। मनपुरा बहुत पहले से यहाँ शासक करते अच्छा, नेताओं की उन्होंने अपना आशीर्वाद कही थी, सब लोगों ने मिल के सब कुछ समझा के उन्होंने ये बहुत अच्छा एक परिसर बनाया है। हमारे बीच में हमारे तहसीलदार सभी थे और सीओ पुष्पेंद्र व्यास, हमारे डीआई संजय मिश्रा जी, मोदी के आई हमारी महिला थाना प्रभारी पूनम सविता, यहाँ उपस्थित सभी जनप्रतिनिधि, मीडिया बंधु, मातृशक्ति और प्यारे बच्चों, ये पुलिस जो है कब काम आती है जब कुछ परेशानी होती है। लेकिन परेशानी जब ठीक करने के लिए आती है पुलिस तो उसको नियम कायदे कानून से ही चलना पड़ता है। पुलिस इसलिए नहीं आती कि एक व्यक्ति का काम करे, उसको नियम कायदे के तहत पूरे समाज का विकास करने के लिए काम करना होता है। और इसमें कई बार हम लोग देखते हैं कि जनप्रतिनिधि बहुत टाइम से हैं लेकिन एक जनप्रतिनिधि आपके अभी इन्होंने चालू किया, कई सारे पॉजिटिव काम चालू किए। कई लोगों का ये चल रहा है कि चुनाव जीते हैं तो उसके बाद पहले ये सोच रहे हैं किस किसने वोट नहीं दिया है, तो उसको सबक सिखाने के लिए दाएं बाएं कुछ ना कुछ कर रहे हैं या आपस में झगड़े चल रहे हैं। अभी हमारा एक मर्डर हुए हैं आज भी, एक रात का छोटा भी घटनाक्रम है उसमें भी बेसिकली चुनाव जो होते पंचायत के पंच शब्द है वो भी आपस में मिलजुल के तय करने का था पहले, फिर उसको चुनाव की प्रक्रिया अपनाएंगे। अब उसमें अगर हम लोग सद्भाव रखेंगे, जैसे आज हम लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य का दिन भी है, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का आज
जो दिल्ली है, और साथ में हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी जिनका जय जवान जय किसान का नारा पूरे देश में आज भी माना जाता है और वो उनकी जन्मतिथि है। तो निश्चित तौर पर कलेक्टर साहब कह गए कि हम लोगों को ये सीखना चाहिए कि हमको जब कोई चीज़ मिले, जब कोई हमारे पास कुछ ताकत आए, जब हमारे पास कुछ करने की क्षमता हो, हम उसको पॉजिटिव डेवलप करें। अभी हम ये तो मान ही रहते हैं कि कहीं ना कहीं हमारे देश का विकास हुआ है। आज से पहले जितनी यहाँ पे टू व्हीलर नहीं थी, उससे ज़्यादा फोर व्हीलर चल रही है। आज से 10 साल पहले इतना बहुत अच्छा परिवर्तन आ गया। अब भुखमरी की समस्या नहीं है, लेकिन अब समस्या क्या हो गई, आपस में कहीं ना कहीं मन मुटाव बहुत ज़्यादा है। ज़्यादातर मामलों में तो हम देखते हैं 50% मामले तो परिवार के मामले हैं या परिवार से जुड़े मामले हैं। दादा बाबा एक थे, उसके बाद से झगड़ा चालू हुआ तो झगड़ा चल ही रहा है। अभी इसके लिए एक नया कार्यक्रम भी चालू किया है, जो माननीय हाईकोर्ट ने भी कहा है इसको, और उन्होंने कहा कि हम लोग कोशिश करेंगे कि जगह आप तय करेंगे तो वहीं जाके जुडिशियल अधिकारी भी आ जाएंगे, उनका सफलता करने के लिए सतर्क करें। 10 साल, 12 साल, 15 साल, 20 साल केसेस चलते रहते हैं, वही आदमी कागज जाता है दूसरे को आज बोलता है। पहले ये बस स्टैंड था, उस समय बस स्टैंड पर यहाँ पर बड़ी अच्छी रौनक हुआ करती थी। जो भी बस शिवपुरी से पिछोड़कर जाया करती थी वो यहाँ आता तक आती थी, यहाँ पर रोकती थी, कुछ लोगों को रोजगार भी मिलता था और यहाँ पर बड़ी रौनक हुआ करती थी। पर धीरे धीरे कुछ कारणों से यहाँ से जैसी प्रगति खत्म हो गई तो वैसी मनपुरा में नहीं हो पाई और लोगों ने मनपुरा की अपेक्षा भौतिक में रहना पसंद किया। अब ऐसी उम्मीद लगी है कि भौतिक को कड़ा कॉम्पिटिशन मिलने वाला है। यह लगभग 70 वर्ष पूर्व जब थाना यहाँ बना भौतिक में, तो उस समय थाने का प्रस्ताव मनपुरा के लिए हुआ था और मनपुरा की जो पहाड़ी है, किला है, उस पर थाने का प्रस्ताव हुआ था। परंतु जो भी कारण रहे हो, थाना भौती में बन गया। यहाँ पर तहसील आनी थी, धीरे धीरे वो तहसील भी भौती में आ गई और मनपुरा ने उस वक्त स्वास्थ्य और शिक्षा को ज्यादा पसंद किया था, स्वास्थ्य और शिक्षा मनपुरा के हिस्से में आया। परंतु जो सुरक्षा की वजह से जो प्रगति होना चाहिए थी, जैसे आप वर्तमान परिस्थिति में देखेंगे कि भौती में लगभग 35 मूंगफली की कारखाने काम कर रहे हैं, तो यहाँ मनपुरा में शायद एक भी नहीं है। कहीं ना कहीं असुरक्षा का भाव, व्यापारियों के लिए सुरक्षा बहुत महत्वपूर्ण होती है और व्यापार जो है, व्यापार से ही, व्यापार के आसपास ही पूरा समाज केंद्रित होता है, पूरा विकास केंद्रित होता है। तो बहुत ही उस वजह से कि वहां पर सुरक्षा का भाव हुआ, व्यापारियों ने उस स्थान को पसंद किया, वहां रहना आरम्भ किया और लगातार प्रगति करता चला गया। आशा है यहाँ पर भी वैसी ही सुरक्षा स्थापित होगी। यहाँ की जो परेशानियां हैं, जैसा कि पुलिस का सूत्र वाक्य होता है, परित्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम, तो जो भले लोग हैं उनका सुरक्षा का भाव होगा, वो सुरक्षित महसूस करते हुए शांतिपूर्वक अपना जीवन यापन करेंगे और जो परेशान करने वाले हैं उनके लिए पुलिस यहाँ परेशानी बनेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ पुलिस अधीक्षक महोदय का, जिन्होंने अपने बहुमूल्य समय में से आज यहाँ समय निकाला और हमें आश्वस्त किया है कि जो बल की कमी है उसकी पूर्ति करेंगे और पुलिस अपनी अधिक से अधिक सेवाओं में सुधार कर पाएगी। जिस तरह से पुलिस अधीक्षक महोदय का व्यवहार है, यहाँ बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि मैं श्रीमान का प्रोफेसर भी हूँ और जैसा शांत स्वभाव श्रीमान का है उसका कुछ अंश मुझे भी विद्यमान है। तो फिर वो चला अपने मंच पर पधारे, सभी के लिए प्रणाम नमन। एक छोटा सा स्वागत गीत है, इसके लिए ध्यान से सुने। अरे धन धन भाग हमारे, I
और भी कई काम करने बाकी होंगे, जिसके लिए पंचायत को परिश्रम करना पड़ेगा। आदर्श सहायता के दृष्टि बनाए, ऐसी मेरी अपेक्षा है, ऐसा हमारा अनुरोध है। बड़ी उपलब्धि हमारे पुलिस के साथियों के लिए भी है, क्योंकि जैसा मैं बता रहा था यहाँ पर सुरक्षा महसूस की जा रही थी, हमने हमारी पुलिस को काम करने में सहूलियत इसे होगी। एक बार फिर से आप सबको बधाई और सहयोग करने के लिए पंचायत धन्यवाद। आज गांधी जयंती, इसके अलावा आज लाल बहादुर शास्त्री जी का भी जन्मदिन है, और इस अवसर पे इन महान युवकों ने जो हमें रास्ता दिखाया है, उसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण रास्ता स्वच्छता का। आज हमने ये स्वच्छता के बोर्ड पे हस्ताक्षर भी किए हैं, ये बताने कि हम बहुत महत्वपूर्ण माना है स्वच्छता के बिंदु को। तो मैं आप लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप अपने क्षेत्र को, अपने गाँव और आसपास के इलाके को स्वच्छ रखिए। आज कुछ और लोग हैं जिनका जन्मदिन है, आशा प्रसन्न का भी जन्मदिन है, उनको भी जन्मदिन की बधाई देता हूँ। और आज हम सद्भावना का शिविर भी बना रखते हैं, आशा ये है कि इस प्रकार की सद्भावना की विशाल कायम की गांधी जी ने, सद्भावना की विशाल कायम की लाल बहादुर शास्त्री जी ने, उसको हम कायम रखें, उसको और मजबूत करें, इन महान विभूतियों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और आगे आप सब किसी प्रकार से सृजनात्मक काम करते रहेंगे, उसके लिए बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामना देता हूँ। धन्यवाद। आज जो यहाँ मनपुरा पंचायत में पुलिस सहायता केंद्र खोला गया है, इसमें लोगों की बात क्या आपने बोलो? आज ये बड़ा सौभाग्य का समय है, बहुत हर्ष की बात है, जनप्रतिनिधि और जनता ने अपनी तरफ से पूरी व्यवस्था करके यहाँ जो पुराना पंचायत भवन था वो पुलिस सहायता केंद्र के लिए दिया है, उसको अच्छी हालत में दिया, इतनी जगह भी है कि यहाँ पुलिस वाले भी रहें। पुलिस की प्रेजेंस अगर बनी रहेगी तो निश्चित तौर पर अपराधियों पर जो वहाँ पर तत्काल रहते हैं उस पर कार्रवाई हो जाएगी, लोगों को तत्काल रिस्पांस मिल जाएगा। और ये यहाँ जो सरपंच हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ, अर्चना बसंत श्रीवास्तव जी का, कि उन्होंने इसमें खुद लीड लेके उन्होंने किया है, और इसमें हमारी पुलिस यहाँ रहेगी। मैंने यही बात आज करने भी आए थे, आज हम महिला शाखा की तरफ से हमारी महिला थाना प्रभारी भी आई थी कि जो महिलाओं से संबंधित अपराध उसके बारे में जागरूकता रहे, और यहाँ जो बाकी समस्याएं हैं मुझे लगता है कि उसमें काफ़ी कमी आएगी, पुलिस रिलेटेड काम होंगे, एक कॉन्फिडेंस आएगा तो शायद यहाँ पर और विकास होगा।